वनडे वर्ल्ड कप 2023 का 21वां मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। लगातार 4 जीत दर्ज करने के बाद अब मेजबान भारत और गत उप विजेता न्यूजीलैंड की नजर जीत के पंजे के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाने का दावा मजबूत करने पर रहने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज भारत और न्यूजीलैंड मैच में बारिश का खलल पड़ सकता है। दोपहर में 40% बारिश की आशंका जताई गई है। लगभग 1 घंटे बारिश हो सकती है। वहीं दिन भर बादल छाए रह सकते हैं। शाम के वक्त बारिश की आशंका कम है, लेकिन तापमान जरूर गिरकर 12 से 13 डिग्री के आसपास रह सकता है। यानी टीमों को अपनी रणनीति उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी। इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली बड़ी हार के बाद पॉइंट टेबल में सीधे 9वें स्थान पर पहुंच गई है। अब तक उन्होंने 4 मैच खेलने के बाद सिर्फ 1 मैच में ही जीत हासिल की है और टीम का नेट रनेट भी -1.248 का है। वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका ने नीदरलैंड्स के खिलाफ पिछले मुकाबले में मिली हार से उभरते हुए इस मैच को न सिर्फ एकतरफा तरीके से अपने नाम किया बल्कि नेट रनेट में भी काफी सुधार कर लिया है। साउथ अफ्रीका अब 4 मैचों में 3 जीत के साथ तीसरे नंबर पर काबिज है और उसका नेट रनेट 2.212 का हो गया है। वहीं श्रीलंका अब 8वें स्थान पर 2 अंकों के साथ मौजूद है। पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड और दूसरे स्थान पर भारतीय टीम 8-8 अंकों के साथ काबिज है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी धर्मशाला के मैदान पर अभ्यास के लिए पहुंचे। इस दौरान सूर्यकुमार यादव नेट्स पर थ्रो डाउन के जरिए बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि वह खुद को तेज गेंदबाजी के खिलाफ तैयार कर सके। इस दौरान एक गेंद सीधे उनके हाथ में जाकर लगी, जिसके बाद सूर्यकुमार को काफी दर्द में देखा गया और वह तुरंत नेट से बाहर हो गए। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में 229 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल करने के साथ एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इंग्लैंड की टीम को इस मैच में 400 रनों का बड़ा टारगेट मिला था, लेकिन पूरी टीम 22 ओवरों में 170 रन बनाकर सिमट गई। ये वनडे वर्ल्ड कप में अब रनों के नजरिए से 8वीं सबसे बड़ी जीत है। श्रीलंका ने शानदार अंदाज में नीदरलैंड्स की टीम को 5 विकेट से हरा दिया। इस मैच में नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। नीदरलैंड्स की टीम ने श्रीलंका को जीतने के लिए 263 रनों का टारगेट दिया, जिसे श्रीलंकाई टीम ने 5 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में अपने शानदार फॉर्म को बनाए रखना चाहेंगे। रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक कुल 17,907 रन बनाए हैं। इस मैच में रोहित शर्मा अगर 93 रन या उससे ज्यादा की पारी खेल देते हैं तो वे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 18,000 रन पूरे कर लेंगे। रोहित शर्मा ऐसा करने वाले 20वें बल्लेबाज बन जाएंगे। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने अब तक खेले अपने 4 मुकाबले जीते हैं। टीम इंडिया 8 अंक के साथ पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर है। किसी भी टीम को सेमीफाइनल में सीधे जगह बनाने के लिए 7 मैच जीतने जरूरी हैं। ऐसे में टीम इंडिया अब सेमीफाइनल में पहुंचने से केवल 3 जीत दूर है। अगर भारतीय टीम 5 मैचों में से 2 भी जीत जाती है तो सेमीफाइनल में नेट रनेट के आधार पर पहुंच सकती है। हिटमैन के नाम से मशहूर कप्तान रोहित शर्मा का सामना आज न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट से होगा। ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के सबसे घातक गेंदबाजों में से एक है। रोहित का बल्ला बोल्ट के आगे अभी तक काफी शांत रहा है। वह वनडे में ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर एक बार भी छक्का नहीं लगा सके हैं। ये दोनों 13 मुकाबलों में आमने सामने हो चुके हैं। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु डेनमार्क ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में स्पेन की अपनी चिर प्रतिद्वंदी कैरोलिना मारिन से 3 गेम में हारकर बाहर हो गई। ये मुकाबला 1 घंटे 13 मिनट तक चला, जिसमें सिंधु को 18-21, 21-19 और 7-21 से हार का सामना करना पड़ा। मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों में शाब्दिक जंग भी देखने को मिली, जिससे दोनों को येलो कार्ड भी मिले। भारतीय खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की सुपानिडा काटेथोंग को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।